अभी आप देख रहे हो चारों कोनों में हमने पेटिए खड़े हुए करे हुए हैं। पेटिए जो बोलते हैं छोटे छोटे जो बोलते हैं सात सात आठ आठ फुट है उनको हम पेटिए बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं लोहे की पैड बनी हुई होती है, कहीं पाइपों की बनी हुई है, तो हम हमारी देसी पैड होती है हमारे NCR के एरिए में। तो हमने जो बनाया है अपनी पैड, मैं आपको फुल प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमने इसमें जो हमने लंबा बांस बांधा था उसके ऊपर हमारी एक यो हमने बांस बांध दिया है। तो बांस बांधने से क्या होगा, थोड़ा सा इस पर हम रस्सी घुमाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी पैड बन जाएगी। बहुत ही सरल तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं। आपने हमारी वीडियोस में देखा भी होगा कि हम उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। जैसे कि हम इसमें रस्सी बांध रहे हैं, तो रस्सी इसको कहते हैं रस्सी का गला घोटना। तो इससे जो रस्सी जो हम बल्ली का जो गला पैड जो हमेशा इसको मजबूत बांधना चाहिए, क्योंकि गिरने का रिस्क, अगर आप मजबूत रस्सी नहीं बांधोगे तो गिरने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो हम कभी भी अपनी पैड में लापरवाही नहीं बरतते और मजबूती से ही पैड बांधते हैं। तो वीडियो बनाने का हमारा ये मोटिवेट होता है कि हो सकता है कि भाई कोई भाई थोड़ी सी गलत बांध रहा हो, या देखो समय का कुछ पता नहीं होता, हम भी हमारे से भी पैड गलत बन जाती है, तो हम भी कई दफ़ा गिर चुके हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जब भी बल्ली या बांस को बांधें उसका गला जरूर घोटना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो फुल प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ, तो बहुत ही बारीकी से मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को सीखने को मिले तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो का वो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपसे यही विनती है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहती है। और हम ये नहीं कि भाई हम प्रोफेशनल आदमी है, हम थोड़े से लेबर टाइप के, तो इससे ये होगा कि जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे ही दूसरे भाई काम करें। अभी आप देख रहे हो चारों कोनों में खड़े करके हमने ऊपर से बांस डाले हुए हैं। बांस डालने के बाद हमारी पैड बन चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।